तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता चलने वाला है कि अरबपति कैसे बने। तो चलिए शुरू करते हैं कि अरबपति कैसे बने हैं। जो 38-55 के लिए खड़े हो, ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है भाई, ये सिर्फ 4 मिनट का है। ओके दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप बिलियनर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से आप बिलियनर बन सकते हैं। ये वीडियो एक मोटिवेशन की तरह होने वाला है, लेकिन ख्याल रखिएगा, अगर आप जॉब करने की सोच रहे हैं या फिर किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आपका मन बदल सकता है। दोस्तों, बिलियनर बनने का सिर्फ एक तरीका है और वो है बिजनेस। बिजनेस के थ्रू ही आप बिलियनर बन सकते हैं। देश की सबसे बड़ी जॉब यानी कि IAS भी अगर आप बन जाते हैं इवन एट द एज ऑफ 21, और उसके बाद आप करप्ट भी होते हैं, तब भी आप कभी बिलियनर नहीं बन पाएंगे और हमेशा घुट घुट के जिएंगे। लेकिन बिजनेस एक ऐसी फील्ड है जो आपको 5 साल में भी बिलियनर बना सकती है। इसका एग्जांपल मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ जॉब और बिजनेस के बीच में। दोस्तों, जॉब में क्या होता है, जॉब करने के लिए सबसे पहले होता है कॉम्पिटिशन। आपको इतनी नॉलेज नहीं लेनी है कि आप कुछ कर पाओ, आपको इतनी नॉलेज लेनी है ताकि आप बाकियों को पीछे कर पाओ। आपको उन सबको पीछे करके आगे बढ़ना है। लेकिन बिजनेस में अगर आपके पास किसी टॉपिक की थोड़ी सी भी नॉलेज है और उसको आप अप्लाई कर सकते हो तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। बिजनेस में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, कोई एज लिमिट नहीं होती। आप आज क्या अभी शुरू कर सकते हैं और पैसा अनलिमिटेड होता है। नहीं, इसने एक बात गलत गई। अरे भाई, कोई स्कूल का नहीं, अगर आप कॉलेज में आओ तो नहीं कर सकते। चल पहली फुर्सत पे निकल। लेकिन अगर आप जॉब करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक क्वालिफिकेशन चाहिए, एक अच्छी पढ़ाई चाहिए। उसके बाद आपको कंपटीशन से फाइट करनी होगी। अगर आप कंपटीशन में आगे निकल भी जाते हैं तो भी रिजर्वेशन आपको पीछे कर सकता है। और अगर आप एक एज लिमिट तक जॉब नहीं निकाल पाए तो भाई, एक एज लिमिट के बाद आप जॉब नहीं कर सकते हो। और अगर आपकी जॉब लग भी जाती है तो सैलरी बहुत लिमिटेड होगी। लेकिन भाई, जॉब लग ही तो नहीं रही है। अभी रेलवे में 90,000 जॉब निकली थी, उसके लिए फॉर्म भरा था 2 करोड़ लोगों ने। 2 करोड़ लोगों ने 90,000 जॉब के लिए फॉर्म भरा। अब क्या होगा, अब ये सारे लोग जंग लड़ेंगे, फाइट होगी सबके बीच में, कंपटीशन होगा। और उसके बाद 1,99,10,000 लोग वापस बेरोजगार रह जाएंगे। सिर्फ 90,000 को नौकरी मिलेगी। ये 2 करोड़ ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन है। अब एक IAS का देखें आप। IAS के लिए फॉर्म भरने वाले होते हैं 10 लाख लोग, और इस बार जॉब निकली थी 786, यानी कि निकलने के चांसेस कितने हैं, 0.007% चांसेस हैं कि आप IAS क्लियर कर पाएंगे। लेकिन फिर भी लोग ट्राई कर रहे हैं, लगे हुए हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जिस स्कूल में आप पढ़े हो वो भी एक बिजनेसमैन का था? जिस बुक से आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके आसपास कोई बुक पढ़ी होगी, देखो, वो भी एक बिजनेसमैन ने पब्लिश कर रखी है उससे पैसे कमाने के लिए। अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, IAS की प्रिपरेशन कर रहे हो और कोचिंग सेंटर में जाते हो, वीडियो का मालिक है, उसने खुद SSC को क्रैक नहीं किया, उसने खुद IAS क्रैक नहीं किया, लेकिन वो कोचिंग दे रहा है। क्या कर रहे हैं वो लोग? वो सब लोग बिजनेस कर रहे हैं। वो आपको बोलता है कि बेटा पढ़ो, तुम्हारी जॉब लगेगी। अरे, जॉब अगर अच्छी चीज़ होती तो भाई वो खुद नहीं कर लेता, क्यों वो बिजनेस कर रहा है? अब दोस्तों, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कभी IAS की प्रिपरेशन के बारे में सोचा होगा तो आपने रोमन सैनी का नाम ज़रूर सुना होगा। 2014 में उन्होंने IAS टॉप किया था, और उस टाइम पे वो IAS टॉप करने वाले सबसे कम एज के व्यक्ति थे। 2016 में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और उसके बाद से अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनकी एक वेबसाइट है और एक ऐप है। पूरी एक कंपनी इस्टेब्लिश कर चुके हैं और उसको चला रहे हैं। सिर्फ 2 साल बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्यों, बिजनेस करने के लिए। मेरा एक दोस्त है जो एक कॉलेज में पढ़ता है, उस कॉलेज का जो मालिक है वो सिर्फ 10th पास है, जबकि उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उसने PhD करके है। इसका मतलब एजुकेशन मैटर नहीं करती, आप सोच के देखिए। उस कॉलेज का जो मालिक है उसने 10th के बाद बिजनेस करने शुरू किए, और वो बिजनेस करके इतना आगे बढ़ गया कि उसने एक कॉलेज शुरू कर दिया, और उसके अंदर एक प्रिंसिपल रखा जिसने PhD कर रखी है। और उस प्रिंसिपल ने क्या किया, उसने सबसे पहले 10th की, देन 12th की, देन बैचलर्स की, देन मास्टर्स की, देन PhD किया। इस साल में उसने 10 साल लगा दिए, जबकि उसने 10 साल कहाँ लगाए अपने बिजनेस शुरू करने में, और वो मालिक बना, वो कर्मचारी बना। तो इसका मतलब है कि आपने माइंड को सही तरह से अप्लाई किया तो आप बिलियनर बन सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको स्टेप्स लेने होंगे एक बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो चैनल को दोस्तों ये है आज की अगली वीडियो भी मैं अपनी अगली वीडियो में दिखा दूंगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये, आपने ये सुना होगा ना कि 10th के बाद उसने बिजनेस शुरू कर दिया था, तो आप ऐसा मत कीजिएगा। मतलब 10th के बाद बिजनेस डायरेक्टली शुरू मत कीजिएगा, नॉलेज गेन कीजिएगा। हाँ, अब मुझे आपको लाइक और सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शेयर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि आप जो क्लिक को पूरा देखो, उससे व्यूज़ आते हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ, मैं बहुत ही स्टपेड यूट्यूबर हूँ, पर क्या करूँ, मैं एक 3 साल का नहीं 10 साल का बच्चा हूँ। 3 साल का बच्चा कैसा करेगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर वॉचिंग दिस गेन द वीडियो। या